नमस्कार। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऊर्जा, खनिज और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से। ये बताइए शुक्ला जी, बीजेपी सरकार की तो ये तीसरी पारी है, क्या दिमाग कैसा है? चूंकि विभाग लगभग लगभग आपके पुराने ही हैं, ऊर्जा हो या खनिज हो, पूरे देश में जो एक अव्यवस्था जैसी स्थिति नजर आती है विद्युत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश को आप कहाँ पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है और उन कामों के आधार पर आज हम 24 घंटे बिजली गांवों में भी देने का काम करें सफल हो रहे हैं। लोग भरोसा नहीं करते थे कि कभी इस क्षेत्र में भी ऐसा सुधार हो सकता है, बिजली के लॉसेस में कमी आ सकती है, बिजली के उत्पादन में ये बढ़ोतरी हो सकती है और 24 घंटे बिजली देने का काम हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की लंबे समय से ज़रूरत थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो इच्छा शक्ति दिखाई और उन्होंने ये तय किया कि हमें किसी भी कीमत पर बिजली कटौती के कलंक को मिटाना है और शहरी नहीं गांवों में भी 24 घंटे बिजली देना है, जिससे गांवों में भी आर्थिक विकास की दिशा में गांव आगे बढ़ सकें। और उस काम को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता महसूस की गई। 10,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ रुपये जनरेशन के क्षेत्र में, 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, वो सारे धन का, पूंजी का इंतजाम किया गया और उसका क्रियान्वयन किया गया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, लगभग 60% काम पूरे हो गए हैं। लेकिन जनरेशन के मामले में हम पावर डेफिसिट जो राज्य थे, अब हम पावर सरप्लस राज्य हो गए हैं। अब बिजली खरीदने का काम मध्य प्रदेश कभी नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म पावर एक्सचेंज से, लॉन्ग टर्म PPA जो हमने किए उससे हमारी बिजली आती रहेगी। और कांग्रेस ये भी कहती है कि सारी योजनाएं उसी के समय की हैं, आपके समय से कोई नया प्लांट नहीं लगा है। नहीं, अभी हम 500 मेगावाट संजय गांधी का और 210 मेगावाट अमरकंटक का, और अभी फरवरी में आज हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सरणी में जो 500 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम चल रहा था वो पूरा हो रहा है, तो फरवरी के लास्ट में उसका उद्घाटन कर दें। फरवरी में ही हम 600 मेगावाट, जो 1200 मेगावाट का पावर हाउस बन रहा है सिंगाजी खंडवा में, 600 मेगावाट कमीशन होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग इच्छुक थे उनको भी मध्य प्रदेश में आने में हमने मदद की। रिलायंस का शासन पावर हो, चाहे निगरी में JP पावर हो, चाहे मोदर बेयर अनूपपुर में हो, चाहे झाबुआ पावर सिवनी में हो, सभी के प्लांट तेज़ी से बन रहे हैं और ये उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक में उनकी कुछ यूनिटें आ जाएंगी। आज हमारे पास 11,238 मेगावाट की उपलब्धता है, जो कि मार्च 14 तक में 12,900 मेगावाट हो जाएगी और 17-18 में ये उपलब्धता बढ़ के 18,000 मेगावाट हो जाएगी। योजनाबद्ध तरीके से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो फीडर सेपरेशन का काम था उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो टारगेट रखा गया था उसके अनुसार पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। ये बात सही है कि दिसंबर 2013 में ये काम पूरे हुए, लेकिन चूंकि काम का क्वांटम इतना ज़्यादा था, हमने 18 महीने का समय था कार्य पूरा करने का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 50 वर्ष में जो डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था लगभग उतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें 1.5-2 सालों में खड़ा करना था। काम बड़ा था इसलिए पूरा नहीं हो पाया और आवश्यकता अनुसार टाइम एक्सटेंशन भी हमने दिए और जो लोग नॉन परफॉर्मर थे उनके टेंडर भी टर्मिनेट किए गए हैं। 7 बड़ी कंपनियों के जिनको काम मिले थे उनके टेंडर टर्मिनेट करके रीटेंडर कर रहे हैं और 1-1.5 वर्ष के अंदर वो बचे हुए काम हो जाएंगे। लेकिन जो काम हमारे हो गए हैं उसके आधार पर हमको लाभ मिलने शुरू हो गए हैं और इसी आधार पर हमने 24 घंटे बिजली देने का काम भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने जिस तरह से बिजली के दाम आधे किए हैं, क्या लगता है एक नज़ीर आप लोगों के लिए बनती नज़र आती है क्या? देखिए, दिल्ली में जो एक तो दिल्ली में घरेलू उपभोक्ता है, वहाँ पर कृषि उपभोक्ता शून्य के बराबर है और दिल्ली केजरीवाल ने जो बिजली के दर कम किए हैं उसमें उतनी सब्सिडी 200 करोड़ रुपए की वो बिजली कंपनियों को दे रहे हैं। एक्चुअल में बिजली की कंपनियों ने कम नहीं किया, सरकार ने सब्सिडी बिजली की कंपनी दिया है और इस प्रकार की वो तो 200 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश तो किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को मिला लें तो 3,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारी सरकार 5 वर्ष तक चलने वाली सरकार है, केजरीवाल की सरकार कब तक चलेगी उन्हीं को भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगी, तो इसलिए वो जो निर्णय ले रहे हैं वो पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार जो निर्णय ले रही है
उस सुधार को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म बेसिस पे गुण और दोष को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर रही है जो कि स्थायी होगा। आप चूँकि एक जमीनी नेता भी हैं, राजनीतिक दलों में और ख़ासतौर पर जो नए दल आते हैं, ये जो क्षेत्रीय दल हैं या कहा जाए किसी एक राज्य के दल हैं, ये जो घोषणाएं करते हैं कि साहब इसमें इतना सस्ता कर देंगे, इसमें इतना सस्ता कर देंगे, सब्सिडी बढ़ाने की जो बात निरंतर चल रही है, एक आपकी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो वो क्या? देखिए, इस प्रकार के घोषणाएं करके आप एक बार तो लोगों का विश्वास अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बार बार और लंबे समय तक आप विश्वास कायम नहीं रख सकते, क्योंकि कई बाध्यताएँ होती हैं, कई प्रतिबद्धताएँ होती हैं। परफॉर्म जब हम करने जाते हैं तो हमें ज़मीनी धरातल समझ में आता है, हमें राज्य की वित्तीय स्थिति समझ में आती है, हमारी कितनी आमदनी है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, इन सारे चीज़ों का कैलकुलेशन उनके दिमाग में भले हो जो घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनको ये भरोसा रहता है कि जनता के दिमाग में कैलकुलेशन नहीं है, और इसलिए एक बार तो फ़ायदा ले लेते हैं लेकिन बार बार फिर फ़ायदा ले नहीं पाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो काम किया, तो आप देख रहे हैं कि न सिर्फ हमारी तीसरी बार सरकार आई बल्कि पिछली बार 143 सीटें थीं, इस बार 165 सीटें आ गईं। मतलब लोगों का विश्वास इस हद तक बढ़ा है कि इससे ये तय होता है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इसी दिशा में आगे चलेंगे और हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को स्थापित कर लेंगे। विधानसभा चुनाव में तो आपने अच्छा परफॉर्म किया, 100 दिन की कार्ययोजना सीएम ने सब मंत्रियों को दिए, आपके लिए क्या लक्ष्य रखा है, आपने स्वयं क्या लक्ष्य? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लगभग 1100 मेगावाट के बिजली की जो हमारी कैपेसिटी है उसमें एडिशन करेंगे। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हम 6 बड़े सब स्टेशन को पूरा करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में जो 33/11 के छोटे सब स्टेशन होते हैं वो लगभग 46 बना के उसके लोकार्पण करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में इन 100 दिनों में हम इतना काम करेंगे कि हमारा एटीएनसी लॉस 2% और कम हो जाए, 27-25 में आ जाए, जिसको कि हमें 15 तक पहुंचाना है। तो ये जो 100 दिन के लक्ष्य हैं ये तय हो गए हैं और इस पर मॉनिटरिंग होगी और तेज़ी से काम होगा कि ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। कहा ये भी है, मुख्यमंत्री ने कुछ मंत्रियों की प्रशंसा की, इसमें आपका भी विभाग शामिल है, औचक निरीक्षण की बात उन्होंने कही है कि जाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या घरेलू क्षेत्र हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं, इनके यहाँ औचक निरीक्षण हो और कमियों को फील्ड से ही पता किया जाए, वहीं के वहीं उनको समस्याओं को सॉल्व किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैदानी दौरे नहीं होते तो फिर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों में सही निर्णय नहीं हो पाते हैं। तो मैदानी दौरे से वास्तविकता समझ में आती है और फिर जब अधिकारियों के साथ बैठक होती है तो उन कमियों के निराकरण के लिए फिर नीति बनती है और उसके कार्यक्रम बनते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। तो वो टू दी पॉइंट निर्देश होते हैं जो जनता को सीधे राहत प्रदान करते हैं। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है, मैदानी दौरे के बिना हम किसी भी विभाग को ठीक प्रकार से नहीं चला सकते। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल ही सही है। खनिज के क्षेत्र की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से काफ़ी जिसको कहें समृद्ध है, परंतु यहाँ जो खनिजों का दोहन है उसको लेकर कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि दोहन जो है अंधाधुंध हुआ है, कुछ लोगों को लाभ पहुँचाया गया है, ये आरोप कहाँ तक सही है? ये आरोप लगाने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन आरोप तो बहुत लगाए, लेकिन जनता ने जब फैसला लिया तो उससे भी कम सीटें कांग्रेस को मिली, जो पहले थी वो भी नहीं बचा पाए। तो लेकिन लोग ये जानते हैं कि अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन की परिपाटी डालने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको संरक्षण देने का काम, खनिज माफियाओं को देने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। हमने तो अंकुश लगाया, हमने तो शिकंजा कसा, और उसके परिणाम ये हुए कि खनिज राजस्व से जो 400-500 करोड़ ही रॉयल्टी के माध्यम से राजस्व आता था उसको बढ़ा के हमने 3200 करोड़ तक पहुँचाया, 5 गुना ग्रोथ। ये बात का प्रमाण है कि अवैध उत्खनन परिवहन में अंकुश लगा है। ये मैंने विधानसभा में भी ये कहा था कि आखिर ये प्रमाण अवैध उत्खनन को बढ़ने का है कि अवैध उत्खनन के कम होने का है, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था इसका। ये आरोप ऐसे क्यों लगाते हैं, क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या सॉफ्ट टारगेट के रूप में आपको देखते हैं, आपके विभाग को देखते हैं? उनको ऐसा लगता है कि एक तो जब शिकंजा कसता है तो हो सकता है कि उनके लोग भी प्रभावित होते हों, तो एक तो वो भी खुन्नस रहती है, और दूसरा ये भी रहता है कि खनिज में आरोप लगाएंगे तो किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए हम सफल हो जाएंगे और हमारी राजनीतिक जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी।
इस आधार पर उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार हो गई और अनर्गल आरोप लगाने के कारण भी उनकी सीटें घटी। 100 दिन की कार्ययोजना में क्या लक्ष्य अभी तक आपने रखे हैं? 100 दिन की कार्ययोजना में कुछ तो ये जो MOUs हुए इन्वेस्टर्स मीट में, जो MOU उद्योगपतियों के साथ हुए, जिसमें हमें राज्य में उद्योग को बढ़ावा देना है, उद्योग की क्रांति लानी है, उसमें से संबंधित मामलों को पारदर्शिता के साथ सरल तरीके से और त्वरित निराकरण किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके लिए कोई यदि नीति बनाने की आवश्यकता होगी तो हम जनवरी के अंत तक में बना लेंगे और मार्च तक अगले जो हमारे बाकी दिन बचेंगे उसमें उनको हम उनसे बातचीत करके विभाग और ये देखेगा कि उनके यदि कोई जायज आवेदन है तो उसको पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से निराकरण करने का काम हम करें। कई उद्योगपति ऐसे भी सामने आए हैं पिछले कुछ वर्षों में जिन्होंने खनिजों की खदान जो है वो आवंटित करा ली परंतु उद्योग नहीं लगाए, तो उसको लेकर सरकार ने कुछ रिमाइंडर भी दिए हैं, ऐसे लोगों की सूची क्या तैयार हो रही है आपकी तरफ? ऐसे लोगों की सूची तैयार हो रही है और यदि ऐसे लोग आते हैं तो उनके लीज़ को हम निरस्त कर देंगे। और दूसरा ये है कि जिसको लीज़ के लिए हमें रिकमेंड किया, कई मामले ऐसे भी हैं कि केंद्र सरकार में भी लंबित पड़े हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि हमने कर दिया लेकिन केंद्र से नहीं हुआ तो वो उनके पास आदेश तो है नहीं कि उसके बाद वो आगे बढ़ सके। तो ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो रिकमेंड हुए और केंद्र में अटके हैं, और कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र से भी हो गए और उनको जो 2-3 साल के प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के टाइम होते हैं जिसमें उनको प्रॉस्पेक्टिंग करके रिपोर्ट सबमिट होना होता है, तो करने के बाद भी 3 वर्षों तक तो वो प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। 3 साल लैप्स होने के बाद भी यदि उन्होंने माइनिंग लीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, जैसे कि उनको प्रोडक्शन का लीज़ मिलता है, यदि ML के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर हम पता करते हैं कि ML के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, और यदि ML के लिए अप्लाई कर दिया और वो ML ग्रांट नहीं हुआ है तो उसकी कार्रवाई करेंगे कि जल्दी से ग्रांट हो जाए। फिर वो ML भी ग्रांट होने के लिए जाता है दिल्ली, तो दिल्ली में भी वो पेंडिंग रहता है केंद्र सरकार में। यदि ये सारे काम स्वीकृत होने के बाद भी प्रोडक्शन शुरू नहीं किया या माइनिंग लीज के लिए अप्लाई नहीं किया तो इससे ऐसा लगता है कि इंची नहीं है, तो फिर उनके निरस्त करने की कार्रवाई करने के लिए वो सूची भी हम आने वाले 100 दिनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा है। कुछ क्षेत्रों में विरोध भी होता है, जैसे रियो टिंटो एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका जैसे छतरपुर में विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं काफ़ी वृक्ष ये लोग काट रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में है खदानें, ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, चाहे मदर रियर वाला मामला हो, ये इन इश्यूज पे आप किस तरीके से निपट रहे हैं? इस पे तो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बिना ना तो वहाँ पे कोई बोर कर सकता और ना ही उसमें कोई प्रोडक्शन करता है, लेकिन यदि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है, केंद्रीय वन और मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय ने दे दिया है, तो फिर उनका राइट बनता है कि उसमें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्रालय बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करता है और वहाँ से क्लियरेंस मिलना आसान काम नहीं है। यदि क्लियरेंस मिल गया उसके बाद काम करने के लिए उनको राइट है कि उसमें कर सकते हैं, क्योंकि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए बहुत कुछ राशि उनको जमा करनी पड़ती है। विधानसभा चुनाव में तो एक अच्छा प्रदर्शन BJP का रहा है, लोकसभा के लिए भी लक्ष्य रखा है CM ने, क्या लगता है आपको कितनी सीटें आएंगी? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का वातावरण है, मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान जी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देशव्यापी है, लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में यदि हम जीत जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया है कि जब मोदी जी अगर बनते हैं तो ये देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होगा, इसको कैसा देखती है बीजेपी? मोदी जी के बनने पर खतरा होगा, और मनमोहन सिंह जी ने तो खतरा पैदा करके देश को रसातल में पहुँचा दिया है। विकास की दर जो उनको अटल जी ने 8% पर सौंपी थी उसको 4.5% गिराने का जो उन्होंने अपराध किया, उसके बाद बयान देना, मैं तो उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसके बाद भी वो बयान दे रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के बारे में बयान दे रहे हैं जिसने विकास का मॉडल जो गुजरात में प्रस्तुत किया उसकी प्रशंसा देश में नहीं बल्कि दुनिया में हो रही। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को किस स्थिति में पा रहे हैं आजकल आप, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के परिदृश्य? कांग्रेस की स्थिति बहुत ही एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि GDP जिस प्रकार से गिरी है देश की, उससे नौजवान काफ़ी चिंतित है, और इस समय देश का नौजवान सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में दुनिया कहाँ पे खड़ी है और हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारी जानकारी है,
और इसलिए उनको लगता है कि यदि सबसे ज़्यादा भविष्य खतरे में पड़ेगा तो हमारा पड़ेगा, इसलिए नौजवान ने कमर कस ली है और उनको लगता है कि इस सरकार को बदलना है और नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान देनी है, जिससे विकास की दर 10% तक पहुँचे, आतंकवाद समाप्त हो, नक्सलवाद समाप्त हो, महंगाई पर नियंत्रण हो। और इसलिए नौजवानों ने इस कांग्रेस की यूपीए की सरकार को उखाड़ने का फैसला कर लिया है और नरेंद्र मोदी जी को सबसे बेहतर विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री आने के लिए बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है। पर आप जैसी पार्टियां किसको नुकसान पहुंचाएंगी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, आपको जो नुकसान पहुंचाना था उन्होंने दिल्ली में पहुंचा दिया, और यदि आप सर्वे देखेंगे तो आपको जो वोट दिया है दिल्ली के लोगों ने, उसमें से उन्हीं के मतदाताओं में से 50% ने कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब यदि बीजेपी को 32 सीटें मिली, इनको 28 मिली, और 28 में से यदि 50% लोग बीजेपी में जुड़ जाएं, तो 65 में से 60 सीटें भाजपा की जीत जाएंगी। तो इसलिए जो उनके मतदाता हैं वही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए आपको जो नुकसान करना था दिल्ली के विधानसभा के चुनावों में कर दिया, लोकसभा के चुनावों में कहीं कोई आप की पार्टी का कोई ना तो अस्तित्व रहेगा ना कोई मुद्दा रहेगा। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें तो आपको क्या लगता है कांग्रेस यहाँ किस तरीके का प्रदर्शन करने वाली, क्योंकि तैयारी अब उनकी थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है ऐसा वो लोग कहते हैं? अब ये तैयारी पहले भी सुनते थे हम विधानसभा के पहले कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और परिणाम सामने आ गया। अब सिर्फ तैयारियों से चुनाव कोई नहीं जीतेगा। काम आपने लंबे समय तक मौका मिला क्या किया था, और शिवराज सिंह चौहान जी को यदि वोट मिल रहा है तो उन्होंने जो काम किया कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से उन्होंने ठेला वालों की चिंता की, रिक्शा वालों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, माताओं की चिंता की और वृद्धों के भी चिंता की, युवाओं के लिए उन्होंने चिंता की। तो सभी को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने वास्तव में मुख्यमंत्री पद का सदुपयोग किया, और जो दूसरे हमारे विरोधी मित्र हैं उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। तो इसलिए कितनी भी तैयारी कर लें, जितनी वो तैयारी करेंगे उतना ही जनता उनके खिलाफ तैयारी करेगी और उनको सफलता नहीं मिलेगी। सादगी, सहजता, सुविचार, अनुशासन, ये बीजेपी की USP मानी जाती रही है। आप पार्टी जिस तरीके से ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी उससे कमतर इन मुद्दों पर या इन मापदंडों पर कम नज़र आती है, खासतौर पर मंत्रियों के संदर्भ में, विधायकों के संदर्भ में? क्योंकि आप देखेंगे विधायक दल की जब आपकी पहली बैठक हुई तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि घमंड ना हो किसी तरीके का, जिसको कहते हैं कि एक आभा मंडल ना हो कि जिसमें जनता से आप सीधे जुड़ाव ना हो पाए, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी के रूप में देश में जानी जाती है, और इसी तरह से इसी कारण से जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने विधायकों को इस प्रकार की आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जनता के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें इस विश्वास को कायम रखने के लिए बहुत सेवक की भावना से काम करना है। और यही मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में बात कही, सभी के लिए कही, और ख़ासतौर से जो पहली बार जीत के आए हैं उनके लिए कही कि ये जो हमें जनता ने मौका दिया है इसमें हमें उनकी सेवा करके उनका विश्वास न सिर्फ कायम रखना है बल्कि विश्वास बढ़ाना है। तो जो परंपरा विरासत में मिली है शिवराज सिंह चौहान जी को, वो उसको और समृद्ध करके नई पीढ़ी को सौंपने का उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से कुशाभाऊ ठाकरे जी और अटल जी, आडवाणी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी जैसे कार्यकर्ताओं को जो संस्कार दिए थे वही संस्कार उन्होंने नए विधायकों को देने का काम किया। तो सत्ता ये होती है कि सेवक के भाव से काम किया जाए, ये कहना है राजेंद्र शुक्ल जी का। कार्यक्रम क्रॉसफायर में इतना ही, लेकिन अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।